भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आज मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं चैंबर ऑफ कॉमर्स में आया तो मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि चैंबर ऑफ कॉमर्स क्या है। लेकिन जब मेरे बुजुर्गों ने मुझ पर मेहरबानी की, अल्लाह की मेहरबानी के साथ मेरे जिम्मे एक जिम्मेदारी लगाई, तो शुरू में मैं ये सोचता था कि शायद क्या होगा। बाकी सब बातों के साथ जो मैंने सीखा, मेरी नजर में चैंबर ऑफ कॉमर्स वो जगह है कि जो आज हम सब की, आपकी, मेरी पहचान है। वो जगह है कि जहां हमें इज्जत मिलती है। दूसरा, हम अपने तौर पे बहुत कारोबार करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जो इस प्लेटफॉर्म से सीखने को मिलता है, यकीन कीजिए, वो शायद किसी और दूसरी जगह नहीं मिलता। शायद मेरी किस्मत, मेरे घर में बुजुर्ग नहीं थे, लेकिन जब मैं यहां आया तो मुझे अपने घर से ज्यादा अच्छे बुजुर्ग मिले, और यही मेरी खुशकिस्मती है। सो मैं आप सबके सामने अपने तमाम बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूं। आखिर में मैं नसीम साहब से एक बार फिर गुजारिश करूंगा, तशरीफ लाएं। शेख सर, अच्छा जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मियां फरीद अशरफ साहब, नजफ साहब और तमाम हमारे बुजुर्ग साबका सदूर और मेम्बरान मियां परवेज असलम ग्रुप, मेम्बरान रावलपिंडी चैंबर ऑफ कॉमर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। हमारे 21 दोस्तों ने नॉमिनेशन पेपर दिए हैं, यकीनन उनमें से 5 को नॉमिनेट किया जाएगा और 5 आदमी इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी 16 आदमी ये महसूस ना करें कि किसी के साथ कुछ ज्यादती हुई है। 21 में से 5 ही को चुनना है और चुनते वक्त बहुत सारी चीजों को देखा जाएगा, किसी की कारकर्दगी, किसी का टाइम, किसी का एरिया, किसी का हल्का अहबार मामला सब देखे जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला ये चुनने वाले हमारे बुजुर्ग हैं, आखिरी वक्त तक हमें भी नहीं पता चलेगा। और इनकी जो चुनाव होगा 100% दुरुस्त होगा, हर हाल में दुरुस्त होगा और पूरी मशवरे के साथ ये करेंगे। बाकी 16 आदमियों से गुजारिश है कि वो दिल शिकनी ना करें और वो 16 आदमी इलेक्शन में वो किरदार अदा करें कि 5 आदमी महसूस करें कि हमसे ज्यादा मेहनत उन 16 आदमियों ने की है। आप सब दोस्त करेंगे, ये मैं खसूसी गुजारिश करना चाहता हूं। और कल से हम सब ने बाहर निकलना है, कोशिश करनी है, इलेक्शन को इलेक्शन ही समझना है और पूरी मेहनत के साथ काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शेख साहब। मैं अब शेख अपना हफीज साहब से कहूंगा, आइए प्लीज। शुक्रिया मेरे सर। वैसे तो बुजुर्गों के कहने के बाद कोई बात कहने रह नहीं जाती, बाकी कहने की मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारे कायद मियां परवेज असलम साहब ने जो कुछ हमें सिखाया है और मलिक नजम साहब, साबिर भट्ट साहब और दीगर साहब का सदूर, मैं ये समझता हूँ रावलपिंडी चैंबर से जो कुछ हमने सीखा है ना, शायद इतना हमने अपने घर में भी नहीं सीखा था। ये ऐसी जगह है जहाँ पे मैं ये समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे मैंने जितना कुछ यहाँ से सीखा इतना जो मैंने ताजरान में भी नहीं सीखा था। एक दूसरे का अदब, एहतराम और जिस तरीके से इज्जत इंसान को दी जाती है, हमारे मेम्बरान को, ताजर बरादरी को, मैं समझता हूँ इससे अच्छा और कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। मैं मियाँ साहब अपने तमाम सबका सदूर और अली रजा सईद शाह साहब तमाम को यकीन दिलाता हूँ, इंशाल्लाह ताला हम आपके सिपाही हैं। चैंबर के तो जो हैं लेकिन हम आपके सिपाही हैं। इंशाल्लाह ताला हम हर महाज पे लड़ेंगे जिस तरह मेरे कायदीन हुक्म करेंगे। आपको अशरन देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी, इंशाल्लाह ताला आज ही आपके कदम मिलेगी और हम आपके खाना पकाना लड़ेंगे। मैं आपको आज ही मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन ये है कि आपके साथ इंशाल्लाह शाना बशाना होंगे और पहला खाना मेरी तरफ से होगा कैंट में जिस वक्त मलिक साहब हुक्म करें टाइम। बहुत शुक्रिया शेख साहब, इंशाल्लाह खाना भी जरूर खाएंगे सर।
और कोई भाई को दोस्त कुछ कहना चाहे तो सर बोलिए सर भाई। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا باري تلام سك صغيرة وكبيرة غناؤں کو معاف فرما آمین یا اللہ بارک تمام غلطیاں کوتاہیاں کتائیں بخش دے ہمارے دلوں میں اپنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا یا اللہ ہمیں کامیابیاں نصیب فرما یا اللہ ہماری اس محنت کو سکون فرما یا اللہ ہمارے ایک دوسرے کا عزت احترام عطا فرما یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما یا اللہ ہر معاملے میں ہماری مدد فرما یا اللہ ہم سب وہ فیصلے کرا تیری مرضی کے مطابق ہوں یا اللہ ہمارے فیصلوں میں خیر و برکت عطا فرما ہمارے فیصلوں میں خیر و عافیت عطا فرما یا اللہ اس سے ہمیں کامیابیاں نصیب فرما یا اللہ ہم سے برائیوں کو دور فرما ہمیں شیطانی شر سے محفوظ فرما ہمیں شیطانی بسوں سے محفوظ فرما ہمیں جھوٹ کی لعنت سے بچا یا اللہ ہمیں شرک و بدعت سے بچا یا اللہ